डियर स्टूडेंट वेलकम टू माय क्लास, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ऑन ह्यूज नंबर एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन एज इट इज न्यू ऑन यूट्यूब। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से अफेक्ट करता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम को पता है द हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है एनोमलस प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल जो फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड विद हाइड्रोजन बनाते हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी एनोमलस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल। The hydrogen bond is responsible for the many of the anomalous properties, physical as well as chemical of compound of oxygen, nitrogen and fluorine. इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि hydrogen bonding के कारण ही water का जो boiling point है वो इतना high। Water के high boiling point को प्लेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा कोई तरीका नहीं। इसी तरह हमें यह पता है कि एथेनॉल या मेथनॉल जो वाटर में मिक्स होते हैं अल्कोहल्स, उसकी जो मिसिबिलिटी है उसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिमिलरली जो प्रोटीन बनता है या जो डीएनए है हमारा, डीएनए जो बनता है उसकी जो दो हेलिक्स होती हैं डबल, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अटैच होती है। इसी तरह एथनॉल और मिथॉक्सी मीथेन के बॉइलिंग पॉइंट में जो ह्यूज डिफरेंस है उसको भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आज हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे विद स्ट्रक्चर विद एग्जांपल कि ये कैसे होता है, ये किस कारण होता है। तो आज के वीडियो में हम जिस विषय में बात करेंगे वो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो कुछ चीजें जो अभी बोली है या आपको बता रहा था उनको लिख भी लेते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एथेनॉल एंड मिथॉक्सीमीथेन। ये सब पॉइंट्स हैं जिनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अब, और हम देखेंगे कि ये किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम देखते हैं जब ग्रुप 15 से 17 तक के
एलिमेंट हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करते हैं तो जो उनके फर्स्ट एलिमेंट है उनके उस ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है और हाइड्रोजन और फर्स्ट एलिमेंट के बीच में जो कंपाउंड बनता है उनका वैलेंस बॉन्ड रिमेनिंग उसी ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ बने कंपाउंड्स के कंपैरिजन में बहुत हाई होता है। जैसे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड -20 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड और अमोनिया NH3 -33 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, जो कि उनके रिमेनिंग उसी ग्रुप के जो अगर हम डाउनवर्ड लाए तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो वाटर में आती है। तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो ये पार्शली नेगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये भी पार्शली पॉजिटिव है। इसी तरह तो यहां पे देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इसी तरह ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्री है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। तो ये जो तीनों है ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बन सकते। यानी हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के जो चारों में दो तो ये हो गए, ये जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और ये दो लोन पेयर यानी चार पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से, जो ये शो करता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, HF का -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड NH3 का अराउंड -33 डिग्री सेंटीग्रेड -33। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये फ्लोरीन भी अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है और नाइट्रोजन भी अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है तो इन दोनों के इतने हाई क्यों नहीं जाते। तो इसके पीछे जो रीजन है, अमोनिया में ओनली वन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, ये इसका कॉज है। और HF में शॉर्टेज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस वजह से इनका जो है वो डिफरेंट बिहेवियर आता है। इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, मिसबिलिटी कह लीजिए या डिजॉल्व होना एल्कोहल का वाटर।
अल्कोहल ये है ये पॉजिटिव हो गया, स्लाइट पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब वाटर का एच तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इनके बीच में, इसकी वजह से ये अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल कह सकते हैं या निस्फल कह सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। तो बेसिकली एक चीज है, जैसे हमें पता है कि डीएनए, चाहे वो एनिमल डीएनए हो या ह्यूमन डीएनए हो, वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्सल हेलिक्सकल उसकी फॉर्मेशन होती है, जो लाइक इस तरह की होती है। तो ये जो अलग अलग स्ट्रैंड है, ये जो अटैच होते हैं वो एक दूसरे से, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रैंड पे जो हाइड्रोजन एटम अटैच है किसी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ, वो दूसरे स्ट्रैंड पे अवेलेबल नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जिसके ऊपर लोन पेयर है उसके साथ बॉन्डिंग करता है और इसको ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देता है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे हम इसके इफेक्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। ये है एथेनॉल CH3CH2OH और मीथॉक्सी मीथेन CuCO3। देखिए दोनों में छह हाइड्रोजन है, इसमें भी इसमें भी, दोनों में एक ऑक्सीजन है और दोनों में ही दो दो कार्बन है, यानी हमारे एलिमेंट वाइज भी सेम एटम है। चूंकि एटम सेम है दोनों में तो उनके इलेक्ट्रॉन भी सेम है, उन दोनों के डायपोल मूवमेंट या वंडरवाल्स इंटरैक्शन भी सेम है, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। ये 70 ये 78.5 है और ये -24.8 डिग्री। फिर हमें यहां दिखता है इसमें क्या हो रहा है। एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसमें नहीं पॉसिबल, क्योंकि OH बॉन्ड यहां पे एग्जिट करता है, यहां ये चीज नहीं है।
तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल इसी वजह से करीब करीब 100 डिग्री का अंतर है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। तो मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखा है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूल में या इंट्रामॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी तो वो उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगी, और साथ साथ अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव है तो उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। दिस इज अवर लास्ट वीडियो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग।